तिवारी। लखनऊ की ब्यूटी फेम व एक्ट्रेस श्रद्धा दुबे से महिला सशक्तिकरण व आम जन की समस्याओं के बारे में शुरू की है डिजिटल पहल, जिस बारे में ज्यादा जानकारी के उद्देश्य से हमारे चैनल के संवाददाता खुर्शीद आलम ने की है खास बातचीत। देखें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ Alive24 न्यूज पर। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के हजरतगंज में बने रिंग्स ऑफ फायर लॉज में, और हम आपको बता दें यहाँ पर एक YouTube चैनल की लॉन्चिंग की गई है, जिसका मकसद है आम जन की युवाओं को, आम जन की समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म देकर के बड़े ज़िम्मेदार लोगों तक पहुँचाना। और इस मुहिम में कई बड़ी हस्तियाँ जुड़ी हैं। हमारे साथ में एक ब्यूटी पेजेंट की बहुत बड़ा नाम है, श्रद्धा दुबे जी, वो हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं, और वो बताएंगे किस तरीके की ये शुरुआत है, किस तरीके का कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है। मैम बताइए कि किस तरीके का ये टाइम टू स्पीक उत्तर प्रदेश, क्या है ये? कुछ टाइम टू स्पीक एक ऐसा मुहिम है जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के लोगों और युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं जिसमें कि वो अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को व्यक्त कर सके और बता सके कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं। और एक हम जो वीडियोस बनवा रहे हैं उनके माध्यम से महिलाओं पे और बच्चों पे जो बाल शोषण होता है, महिला के साथ रेप एंड ऑल जो ये सब केसेस होते हैं, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। एंड इन वीडियोस के माध्यम से हम उस जो महिलाओं के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को रोकेंगे। क्योंकि जब ऐसे वीडियोस आएंगे मार्केट में, लोग देखेंगे तो उन्हें देख के जागरूक होंगे और ये जो केसेस हो रहे हैं ये सब होने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल श्रद्धा जी, आप एक युवा हैं, एक ब्यूटी आइकन हैं, बहुत सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं, क्या कुछ ऐसा आपको ख्याल आया मन में कि आप इस तरीके के एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट करना ज़रूरी समझा? मुझे ख्याल आया कि हमें अपने युवा वर्ग को, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, और यही सोच के मैंने ये टाइम टू स्पीक में भाग लिया कि हाँ ठीक है, मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और युवा वर्ग की हेल्प करनी चाहिए कि किस तरह से, क्योंकि एक युवा अगर इस टीम में रहेगा एक टीम मेंबर की तरह, तो वो जो युवा वर्ग है वो आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे आगे आके शेयर कर सकेंगे, हमसे बता सकेंगे कि हाँ उन्हें ये प्रॉब्लम है, और हम उन प्रॉब्लम्स को लेकर ही वीडियोस भी बनाएंगे। बिल्कुल, जो वीडियोस रहेंगे उसको किस तरीके से आप मतलब शो करेंगी ऑन अ पब्लिकली, और किस तरीके से जो लोगों की समस्याएँ हैं उनका निवारण, उनका सोल्यूशन, वो क्या कुछ रहेगा, ये एक दायरा रहेगा, क्या एक प्लान रहेगा इसका? देखिए जब वीडियोस आएंगे तो वो वीडियोस के माध्यम से ऑटोमेटिक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएंगी, बिकॉज़ अगर वो वीडियोस लोग देखेंगे तो उन्हें देखने के बाद उनको उनके अंदर से खुद से आएगा कि हाँ मुझे जागरूक होना है, ऐसा हो रहा है तो मुझे इससे कैसे बचना है। कहीं ना कहीं पर क्या लगता है कि ये जो सोशल ऑडिट्स है ये इसका एक पार्ट है, एक भाग है क्या सोशल ऑडिट्स? हाँ बिल्कुल। चलिए और कुछ क्या कहना चाहेंगी? आप एक महिला हैं, ख़ास करके जो युवा महिला हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? बस मैं महिलाओं को लेकर बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है या रेप या कुछ भी ऐसे केसेस हो रहे हैं, तो पहली बात तो किसी से डरना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और मैंने भी अपनी शुरुआत बहुत प्रॉब्लम्स में की। मैं शुरू से ही बहुत मतलब ऐसा नहीं रहा कि नहीं सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया, मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और आज मैं यहाँ हूँ तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी महिलाओं से और जो भी युवा वर्ग है उनसे यही चाहूँगी, युवा महिलाओं से यही चाहूँगी कि आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको मतलब हिम्मत के साथ उसका सामना करिए, बिकॉज डर के भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, ठीक है। आपको कभी भी अगर आप पे किसी ने उंगली की या आपके साथ अगर किसी ने बदतमीजी की, तो कुछ महिलाएं होती हैं नहीं घर बैठ जाना है, लोगों को पता चल जाएगा, पब्लिक को पता चल जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पब्लिक को पता चल जाता है तो चल जाने दीजिए, इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल जब तक उस आदमी को आप नहीं दिखाएंगे कि आप गलत हैं, तब तक ऐसे केसेस और भी होते रहेंगे। एक लड़की अगर खड़ी होती है तो 100 लड़कियाँ उसके पीछे खड़ी होती हैं, इसलिए महिलाओं को अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रद्धा जी हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में श्रद्धा जी, जो एक युवा हैं, एक एक्ट्रेस हैं, एक ब्यूटी आइकॉन हैं। इन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे चैनल के थ्रू शेयर किए हैं, और आज
जो शुरुआत हुई है उसमें इनका ये कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है उनके लिए ये एक पहल की गई है कि वो अपना दुख, अपनी राय, अपनी सही बात हम तक के शेयर कर सकें। और कहीं ना कहीं पे एक जो ये टीम है जिसने ये शुरुआत करी है, इस टीम के द्वारा उनका सलूशन निकाला जाएगा। मैं खुर्शीद आलम, अलाइव 24 न्यूज़, लखनऊ। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।